ये चढ़ती जवानी, कुछ कुछ देसी है इनमें, कुछ कुछ है ये ले शरमानी। मचा देते हैं हल्ला, देखो भैया खुल्लम खुल्ला, कहते रहते हैं ये सब को, अरे चल तू हटा साला, लाइफ बिंदास है कुछ भी ये माने ना। करते रहते हैं सियापा, देखो भैया इनकी सियापा, अंदाज भी है सियापा, लाइफ बन गई है सियापा, करते रहते हैं सियापा, देखो भैया इनकी सियापा, अंदाज भी है सियापा, लाइफ बन गई है सियापा। कितनी बार कहा है यार, ये टॉयलेट सीट में जो पेपर डालती है टॉयलेट सीट वाले, फेंक दिया कर। इतना बड़ा पोस्टर लगा के रखा है, समझ नहीं आता क्या ओसीडी? वो तो यहाँ ही नहीं, वरना होती तो ये कहती मैंने भी कहा है कि पीजी में रहते हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, सो आई हैव टू। डिस्गस्टिंग। नो 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 नो, नॉट अगेन, नॉट दिस गाय दिस टाइम। ये है समोनिका सिंह, प्यार से इसके रूमीज इसे सैम कहते हैं। शी इज आवर देसी डिजाइनर जो कपड़ों के साथ साथ अपने लाइफ के अफेयर्स भी डिजाइन करती है, जैसे कि बॉयफ्रेंड नंबर वन मिस्टर रौनक उर्फ चिपकू फॉर द महंगे गिफ्ट्स, एंड बॉयफ्रेंड नंबर टू ऋषि फॉर हिज माचो बॉडी। इस वक्त ये एक्सट्रीमली इरिटेटेड है, व्हाई? खुद देखिए। पिंकू बेबी, मेरा दिया वो आईफोन 8 क्यों नहीं उठा रही है? सियापा। और रोनी, तेरे जैसा इतना इंटेलिजेंट बॉय इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है कि एल्बम में फोटो चिपकाते चिपकाते अपने हाथ में ही चिपका लिया, वो भी बॉन्डिंग ग्लू से? नाउ आई कांट टियर माय पिंकू बेबीज पिक, मेरा दिल टियर हो जाएगा ना, क्या करूं? सैमी से ही पूछता हूँ, टेक्स्ट करता हूँ। दिस इज द वन एंड ओनली रौनक सिंघानिया उर्फ सुपर रिच बॉय, बट सैम के लिए सिर्फ चिपकू है। ये सिर्फ नाम से ही चिपकू नहीं, हर काम से भी चिपकू है। अब समझ में नहीं आता फोटो इनसे चिपका है या ये फोटो से। खैर, इन्हें सैम से बेहद प्यार है और ये बड़े फिल्मी भी हैं। पर सैम को प्यार है इनके गिफ्टों से। यूजुअली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से चिपकते तो हैं जरूर, लेकिन ये ऐसे प्रोफेशनल चिपकू हैं कि इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पिंकू बेबी, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? इमरजेंसी है। पिंकू बेबी, फोन उठाओ ना। अब इसे क्या इमरजेंसी आ गई? पक्का ये भी कॉन्स्टिपेटेड हो गया होगा, जैसे मैं श्वेता के इन टिश्यू पेपर को देख के कॉन्स्टिपेटेड हो गई हूँ। वॉशरूम में इसका फोन उठाओ, मैं भगवान इसे उठा लो ना। नो रिप्लाई, उफ, मैं फिर भी कॉल करूं बेबी जान। नो, यस यस यस, एटलीस्ट नो तो बोला, मैं फिर भी कॉल करूंगा। हेलो सैमी बेबी, बेबी कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वॉशरूम में हूँ सोना, क्या चाहिए? और वॉशरूम में क्या कर रही है बेबी? T20 खेल रही हूँ। T20? वाओ, वुमेन्स क्रिकेट। वाओ बेबी, लेट्स डू अ वीडियो कॉल। नो 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 नो, मैं पार्टी में हूँ सिली। पार्टी? वाओ, सो रोमांटिक माय बिल्ली। बेबी, वो तीन रोमांटिक वर्ड बोल दो ना। तो तुम्हारी इमरजेंसी ये थी? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नो बेबी, फोन मत रखना, तुम्हें मेरी कसम। बोलना पड़ेगा बेबी, तीन रोमांटिक वर्ड बोल दो, देन हैंग अप। ओके, आई लव यू। हाय। आई लव यू। हाय। आई लव यू। हाय। मार ही डाला। मर ही जो।
कुछ बोला बेबी आपने? नहीं, I'll call you in some time, maybe. No. कड़ी पत्ता तू जोर लगा के दे फटका। कड़ी पत्ता तू जोर लगा के दे फटका। कड़ी पत्ता तू जोर लगा के दे फटका। पिछले दो घंटे से वो रोड वाले बाबा का मंत्र जप रही हूँ इस फोन पर विराट का कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। इस फोन का ही फॉल्ट है। कल रात तो विराट ने मुझसे बड़े अच्छे से बात की थी, पर जब से ये फोन खरीदा है तब से उसका कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है। दिस स्टूपिड अनलकी फोन, इसकी तो मैं। ये है मानसी ठाकुर, एक एस्पायरिंग, नो, एक्सपायरिंग एक्ट्रेस। क्योंकि हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है भाई। खैर, ये खूबसूरत तो ऐसे की लड़कों की लाइन लग जाए, पर इसको चाहिए ओनली इसका विराट। विराट की प्रायोरिटी उसके फ्रेंड्स है, नॉट हिज गर्लफ्रेंड। पर मानसी की प्रायोरिटी विराट है। मानसी सुपर से ऊपर वाली सुपरस्टिशियस है, इतना कि अगर इसको लगे कि किसी दिन इसकी शैडो अनलकी है तो ये उससे भी पीछा छुड़ाए, जैसे कि इस वक्त ये मोबाइल फोन से। हेलो। शिट यार, ये छिछोरे कॉन्टेक्ट लेंस ना जिंदगी में कभी सेट नहीं हो सकते। और क्या है ये? हाँ, किसका गुस्सा किस पर? अगर मारना ही है ना तो उस विराट को जाके मार, वरना मुझे बोल। तू किसको समझा रही है? तू इसको समझा रही है? इससे अच्छा तो तू सर मार दीवार में, ज्यादा बेटर होगा। हाँ हाँ, तुमको तो अपने बॉयफ्रेंड से ऐसी वाली प्रॉब्लम होती नहीं होगी। कल रात के 12 बजे से आज के 12 बजे तक एक कॉल तक नहीं किया। हे भगवान, सारे दुख मेरी झोली में डाल दिए। मानसी, वापस आ जाओ, तेरा ऑडिशन नहीं चल रहा है बेबी, वापस आ जाओ। हाँ तो ऐसा नहीं है कि हमें बॉयफ्रेंड्स की प्रॉब्लम नहीं है, अब भी झाड़ कर आ रही हूँ अभिनव के बच्चे को। ये है श्वेता माथुर, प्योर वेज, कराटे एंड टाइक्वांडो चैंपियन रह चुकी है अपने स्कूल में। मुंबई में शी स्टडिंग इंजीनियरिंग एंड आल्सो स्टडिंग मेन, जैसे कि वो आदमी नहीं मशीन्स हों। ये अपने चाइल्डहुड बॉयफ्रेंड अभिनव को लेकर है फॉरएवर सस्पिशियस। अभिनव श्वेता को प्यार से लाली कहता है और ये उसे लालू। सफाई को लेकर मैडम को ओसीडी है। किताबों के अलावा अगर मैडम की आंखों में प्यार कोई ला सकता है तो वो है सल्लू भाई। और इनके जीवन का एक ही मकसद है, अभिनव को सल्लू जी में ट्रांसफॉर्म। हाँ, सो व्हाट, थोड़ी हाथापाई हो गई और क्या, बट फाइनली आई डंप्ड लालू। 105वीं बार बोल रही है यार। यार टू टाइमर कहीं का, मतलब मेरे सामने ताक रहा था। किसको? अरे मैगजीन के कवर पे जो मॉडल थी उसको। विराट का कॉल है ना, प्लीज वैन दे दे, दे दे यार प्लीज वैन। अरे तुझे ऑडिशन में जाना है कि तुझे हॉस्पिटल जाना है, क्या कर रही है यार? वैन दे देना प्लीज, विराट का फोन है, प्लीज दे दे मुझे, एक बार बात करने दे प्लीज। यार विराट का फोन है। हाँ तो ठीक है ना, नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगी, तू आके ले ले। दे दे एक बार बात करने दे प्लीज, दे दे। अरे अरे मेरा फोन यार, दो ना प्लीज, दे दे ना यार फोन यार, नो यार मेरा फोन है, बात करने दे। कुछ कही सी, कुछ सुन सी होने लगेगी। लग रहा है ना? आज से नो मोर रोना धोना, बॉयफ्रेंड्स को हवा खाने दो। सच यार, आज से ना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का स्यापा बिल्कुल बंद, और आज के लिए प्लीज नो मोर मोबाइल फोन्स। क्या है, सिर्फ मैसेज तो आया है? ओ स्यापा, बड़ा वाला क्या हुआ? सियापा! मेरा चिपकू बॉयफ्रेंड मुझे लुई वुटन का बैग गिफ्ट करने वाला है। मुझे मिलने बुला रहा है और
उससे मिलना और कच्चा करेला खाना एक बराबर है यार, मैं कैसे झेलूंगी। अरे लुई विटोन को याद कर। भैंस की पूछ, इस अभिनव की ये हिम्मत, इसने मेरी ऑफिस ड्राइवर मेसी के साथ फोटो खिंचाई है और उस मेसी की बच्ची ने ना वो फोटो डीपी पे डाली है और मुझे हाय भेज रही है। कमीनी, ये लालू तो गया। यार ये नहीं हो सकता मेरे साथ, ऐसा नहीं हो सकता यार। विराट अपने दोस्तों के साथ ले लद्दाख ट्रिप पे चला गया, तो तभी वो मुझे कॉल कर रहा था। श्वेता यू, प्लीज पिक अप द फोन, पिक अप द फोन विराट। और कैसे मिलूं मैं इससे? प्लीज विराट, इतने बेरहमत बनो यार, पिक अप द फोन। बस एक बार फोन उठा, फिर बताती हूँ तुझे। द सब्सक्राइबर इज करंटली स्विच्ड ऑफ। ये तो गया यार, अभी तक फोन नहीं उठाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मैसी के साथ फोटो खिंचाने की? यार तुम बैग कुरियर कर सकते हो क्या? डॉक्टर ने कहा है हाईली कंटीजियस है। चेक दिस आउट गाइस, इस लड़के को ऐसी लड़की चाहिए जो किचन में भी बहुत अच्छी हो और समझ रहे हो तुम लोग। अभी ना इस एमसीपी की क्लास लेती हूँ। यार सैम, क्लास तो मेरी लगी है यार, कभी तो पढ़ूं। इंजीनियर बनना है भाई, तुम्हारे जैसे मेकअप और ये कपड़े डिजाइन नहीं करने। ओ या, एक्ट्रेस बनना इज नॉट जस्ट अ मेकअप, ओके? फोकस करना पड़ता है। और फिर प्रोड्यूसर को पिक्चर्स भेज रही हूँ यार, टाइम पास नहीं कर रही। बस एक फिल्म, एक बड़ी फिल्म, देन प्रियंका चोपड़ा मूव ओवर। वो तो कब का क्रॉसओवर हो चुकी है। And this is Sunday, यार you guys are so boring. और तुझे क्यों बनना है इंजीनियर? तू तो वैसे ही गुंडे मोहल्ले वाली फैमिली से है, और आदि तो है भी, तू तो वही करना, फीमेल डॉन वाला काम। नहीं नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तेरी तरह ना टू टाइमिंग करने लग जाती हूँ या फिर तेरी तरह वो फालतू ऐप पे टाइम पास कर लेती हूँ। देख, अगर ऐसे ही चलता रहा ना जो तेरा सपना है पेरिस फैशन वीक का, वो सपना ही रह जाएगा। एक्सक्यूज मी, मेरा असाइनमेंट पूरा हो चुका है और मैं कोई टू टाइमिंग नहीं कर रही हूँ। यू नो व्हाट, यू गॉट व्हाट आई फील राइट? या आई अंडरस्टैंड डियर, तेरे लिए ना ये ट्रुथ और डेयर का गेम है। रौनक तेरे लिए ट्रुथ और ऋषि तेरे लिए डेयर। तुझे तो अपने रिलेशनशिप का ना स्टेटस ही नहीं पता क्या है। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड, ऑफ कोर्स आई नो माय स्टेटस। तो बता देना फिर। आई एम श्योर अबाउट चिपको स्टेटस, ही इज रिच। और रही बात ऋषि की, तो वो अपने होम टाउन जाने वाली फ्लाइट के स्टेटस में है, जो डिले चल रही है। थिंक ऑफ डेविल एंड चिपको इज कॉलिंग। तो तू फिर ऐसा कर, देख ऋषि तो फ्लाइट में है, तो तू इसका चिपको का कॉल ले और इससे पूछ कि व्हाट ही फील्स अबाउट योर रिलेशनशिप स्टेटस, और स्पीकर पे डालियो। पिंकी मॉर्निंग माय प्रिंसेस, डिड यू वेक अप और आई नीड टू किस यू माय स्लीपिंग ब्यूटी? नो, आई वोक अप लॉन्ग बैक। रॉन, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त? तुम्हें ना मेरा एक गाना सुनना पड़ेगा, मैंने खास तेरे लिए रियाज किया है। सुनो। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी जो तुमसे दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तुम समझ गई ना मैं तुमसे क्या सुनना चाहता हूँ? यस, आई लव यू।
अच्छा, अब जो मैं पूछूंगी उसका सही सही जवाब देना, ठीक है? What do you think about our relationship status? You know what, सोना? तुमसे पहले ना मैंने ढेर सारे हुकअप्स किए हैं। अरे लड़कियों के ना लाइन लगे रहते थे, लाइन। लेकिन जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो, तब से मुझे समझ में आया कि what is a true relationship. Now I can't. I'm keeping the bones on. तुझे क्या लगता है सैम? I don't think. I just see. Oh. और वैसे भी इशि तो मुझे मिली है, लव ऑफ माय लाइफ। अब कट टू। अबे चिपको, रिची रिची तेरे लिए पागल है। अबे और क्या चाहिए तुझे? और उस ऋषि को तो तुझे गिफ्ट देना पड़ता है उसे खुश करने के लिए। आज तक चने भी खरीद के दिए उसने तुझे। एटलीस्ट वो मुझे स्लीपिंग ब्यूटी तो नहीं बुलाता ना। ही सो माचो यार। हाँ, तो माचो को ना अचार डाल लियो। तो खा लेना फिर। चुप रह। और अच्छा श्वेता, तू बड़ा हंस हंस के मजाक बना रही है। तू अपने लल्लू का बता ना। अबे यार लल्लू नहीं है वो, लालू है। हाँ हाँ, तुम लोगों के रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? और वैसे भी वो तेरे बचपन का मजनू तेरे आसपास रहने के लिए तेरे ऑफिस का सेल्समैन तक बन गया। हाउ रोमांटिक यार। हाउ रोमांटिक यार, घंटा रोमांटिक। दिस पैड वेरी गुड। आई टेल यू सी पैडमैन ना, वेरी गुड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी। पर आपके लिए ये वाली नहीं, हवाई ट्रिपल एक्स लार्ज वाली लगेगी। ये है अभिनव उर्फ लालू, उर्फ कनपुरिया, उर्फ नालायक। ये सारे नामकरण उनकी पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड श्वेता ने दिए हैं। ये एक गर्लफ्रेंड व्रता है और शादी वाले सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। ये अपनी गर्लफ्रेंड से अभी से डरते हैं, उनकी ओपिनियन के बिना कुछ नहीं करते और उनके पीछे कहीं भी आ सकते हैं। जैसे 3 साल पहले मुंबई आए और ऑड जॉब्स करते रहते हैं। फिलहाल उनके 2 ही काम हैं, कस्टमर्स की गालियां सुनना और बाकी का वक्त अपनी गर्लफ्रेंड की। अरे अब कौन फोन कर रहे हैं? अरे लाली जी। हेलो लाली जी, कैसी हैं आप? खाना वाना खाए कि नहीं? हाँ हाँ खाई। और तुम? अभी अभी खाए हैं। चल अब ज्यादा दिमाग ना खा, पहले ये बता हमारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। अरे क्या यार लाली जी, अभी कैसा मजाक करती हैं? भला कोई 9 साल के बाद रिलेशनशिप स्टेटस पूछता है क्या? अब देखिए, हमसे पूछिएगा तो ये है बचपन का प्यार, फुल्ली कमिटेड एकदम कायदे से। चल ठीक है रख। अब देखिए, अब भी इतना प्यार करती है, बताइए। देखा, we are in it for the kids. But you don't have any. हाँ, तो आगे जाके होंगे ना। बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार मिले, इसीलिए we are together. हाँ भाई, बड़ी लंबी सोच है। What? No. Girls, मुझे तो ये भी नहीं पता कि विराट मेरा फोन उठाएगा या नहीं। विराट, तेरा फोन कहाँ है? अरे देखना तेरा फोन कहाँ है। अरे गपरसोस, बजने देना, मैच देख, बाद में कॉल बैक कर लूँगा। हाँ तो बब्बी का कॉल है क्या? ओए, डरामत, शादी, नो वेज। शादी? तो शादी से तो डरता क्यों है? शादी नहीं करेगा कभी?
ऐसी हालत। गोभी का बंदर सुना तूने? बंदर? कुत्ता तो सुना था, ये बंदर कहाँ से आया? गोभी का बंदर, वो दे। ऐसी हालत हो जाती है शादी के बाद। इनका इंट्रो थोड़ा हटके है क्योंकि ये जनाब ही थोड़े हटेले, मेरा मतलब है थोड़े हटके हैं। इनका नाम तो सुना ही होगा, विराट माइनस द कोहली। क्रिकेट के डाई हार्ट फैन है लेकिन काम के लिए एक एस्पायरिंग मॉडल है। और इनके जैसे लड़कों को तो आपने देखा ही होगा, जो ना तो महीनों तक नहाते हैं ना गर्लफ्रेंड्स को घुमाने ले जाते हैं। इनके लिए इनकी स्मोकिंग ड्रिंकिंग पार्टीज ही फन है और इनके दोस्त ही इनकी जिंदगी। ये एडवेंचर फ्रीक हैं और कहीं के लिए भी कभी भी निकल जाते हैं। इनको देख के लगता है जैसे दिल चाहता है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इन्हीं से इंस्पायर होकर बनी होगी। ये साहबजादे जीते हैं अपने पापा के पैसों पर और एक आधा ऑडिशन कभी कभार दे देते हैं। लड़कियों को भाव नहीं देते और मानसी जैसी लड़कियों को इनका डिसइंटरेस्ट ही इनकी मर्दानगी लगती है। हेलो चुका सी अम्मा मी नो नो दैट गाय धोनी। अरे यार क्या छक्का मारा इसने। हाँ स्वीटर बोलो। विराट I need to you ask you something. No, no, no. But I need to. क्या यार? धोनी आउट हो गया यार। कर रहा हूँ ना बात। अब क्या फोन से बाहर अगर एक्सप्रेशंस बताऊँ क्या तुम्हें? सियापा। ओह यार। Have gone short. Ads are there. अच्छा। You do have only 2 minutes. Your time starts from now. Okay. अरे, भाई। मैगी चढ़ाना यार, भूख लगी है। मानसी एक सेकंड। भाई तू लैला लद्दाख के बारे में क्या कह रहा था? अच्छा सुन, इस कॉल के बाद बताना मुझे। लद्दाख हमारे रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है? हाँ बेबी, आई लव यू। और ये क्या बाउंसर पे बाउंसर डाल रही हो? तुम्हारे लिए मैं शादी के अलावा कुछ भी, आई मीन शादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा बीबी, टॉक टू यू लेटर यार। ओके यार, मुझे लगता है उसने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया है, बट यू नो मैं इसी अदा पे तो फिदा हूँ उसके। आई थिंक इट्स मोर देन अ फ्रेंड्स ऑब्सेशन। कहीं ऐसा ना हो कि उसके फ्रेंड्स शादी के मंडप में तेरे साथ साथ फेरे ले ले और फिर हनीमून पर भी। ए बस बस शट अप ओके। और तेरा क्या है, तेरा परफेक्ट रिलेशनशिप है क्या? और मुझे तो ऐसा लगता है सीधा दादागिरी है दादागिरी। कनपट्टी पे बंदूक रख के फेरे लेगी तू तो। एंड योर रिलेशनशिप इज ओनली द वन वे, वन माय वे और हाईवे। और उस चिपकू का क्या, जिसको तूने बैकअप प्लान के लिए रखा हुआ है? और वैसे भी फ्रंट डेस्क पे तो ऋषि है ना तेरे दिल के। Shut up! ये क्या relationship status लगा के रखा है यार तुम दोनों ने? Okay. Fine. I have one word for it. It's complicated. हाँ यार, it is complicated. सच्ची में यार, it's complicated. यार, भूख लग रही है। आज के breakfast का status क्या है? अरे नहीं! कुछ देसी है इनमें कुछ है ये शरारती, मचा देती है हल्ला। देखो भैया खुल्लम खुल्ला कहते रहते हैं ये सबको, अरे चल तू हटा साला करते रहते हैं सियाप्पा। देखो भैया इनकी सियाप्पा आइस बन गई है सियाप्पा। सियाप्पा हमारे तो सियाप्पे ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सियाप्पों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।